श्रीराम समर्थ। नवंबर 14। गृहस्थी भगवान की मानकर करे। यह जो सारा संसार दिखाई देता है, इसका कोई नियंत्रण करने वाला है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? किसी नास्तिक से पूछने पर यह संसार किसने बनाया तो वह क्या कहेगा? यही कि पांच भौतिक तत्वों से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। किंतु फिर ये तत्व भी आखिर किसने बनाया, इस पर वह कहेगा कि वह कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो समझ में नहीं आता, उसका भी आखिर कोई ना कोई कर्ता तो होना ही चाहिए। इसलिए भगवान नहीं है ऐसा कोई कह नहीं सकता। जहां आज बस्ती नहीं है, वहां भी हम मंदिर बने हुए देखते हैं, और उन मंदिरों को किसने बनाया, यह बात की खोज करने जाए तो हमें चाहे उनके बनाने वाले का पता न चले, किंतु जब वे मंदिर वहां मौजूद हैं, तो उनको बनाने वाला कोई न कोई जरूर होगा ही। मतलब कि इस संसार का कोई न कोई कर्ता जरूर होगा ही। बस इतनी ही बात है कि वह कौन है यह हमारी समझ में नहीं आता। हम गृहस्थी में जैसा बरतते हैं, उस ढंग से बच्चे खेल में गृहस्थी का खेल रचते हैं, खेल में विवाह करते हैं, वहाँ सब समारोह मनाते हैं, गुड़िया पर सभी संस्कार कराते हैं, उनके खेल में प्रसूतावस्था भी होती है, बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है। किंतु उसी समय उन्हें यदि कोई घर में पुकारता है तो वे खेल छोड़कर फौरन भाग जाते हैं। फिर उस समय उन्हें वह अभी पैदा हुआ बच्चा रोएगा वगैरह की चिंता नहीं होती। बस इसी प्रकार हम गृहस्थी में बरते। जब सभी कुछ भगवान का ही किया है तो उसका पालन भी वही करता है और संहार करने वाला भी वही है। तो फिर हमें भी उसके द्वारा दी गई गृहस्थी में कुछ भला बुरा हो गया तो सुख दुख मानने का क्या अधिकार है? मान लो हमने एक घर किराए से लिया है, उसका कई बरस हम किराए दे रहे हैं, फिर आगे चलकर हम यदि कहने लगे कि इस घर के मालिक हम ही हैं, तो क्या उस घर का मालिक हमारी सुनेगा? वह किसी न किसी तरीके से हमें घर से निकाल ही देगा या नहीं? वैसे ही हमारा गृहस्थी में हो गया है। जो गृहस्थी हमें भगवान ने किराए से दी थी, वह हम अपनी मानकर पकड़कर बैठे हैं। किंतु जब वह चाहे तब हमें घर से अर्थात गृहस्थी से हटा सकता है। फिर हम उसे अपने क्यों समझ रहे हैं? अर्थात गृहस्थी उसकी है ऐसा समझकर व्यवहार करे, और जब वह यह लेने आएगा तब उसे लौटाने की तैयारी रखे। ऐसा करने पर गृहस्थी में सुख दुख की बाधा नहीं होती। हम भजन में जाते हैं तब गृहस्थी कैसी सफल होगी इसकी चिंता न करे। भजन में लीन होने पर यदि संत तुकाराम जैसी परिस्थिति हुई तो उसने बुरा क्या है? मानो कि वैसा नहीं हुआ तो गृहस्थी तो चल ही रही है। गृहस्थी में रोते रहने की अपेक्षा राम नाम लेकर आनंद में रहे। कुछ दिन तो राम पर पूरा भरोसा डालकर रहने का अनुभव लो। मन निश्चय ही चिंता मुक्त होगा, पूर्ण निष्ठा पैदा होगी। आज का मुख्य विचार, यह पूर्ण विश्व और गृहस्थी ईश्वर की है। गृहस्थी जिसकी है उसे दे दे और हम मुक्त हो जाए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।